हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चाइल्ड वर्ल्ड। हम लोग आज मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 और 4, क्लास फोर्थ, एंड चैप्टर नंबर 3, क्लास फिफ्थ में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों क्लासेस में कॉमन चैप्टर हैं। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन विद 10, 100 और 1000, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। नाउ कम टू द टॉपिक। हम लोग आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। अगर हम किसी भी नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, मीन्स उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हमने 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक यूनिक मेथड है, जो कि मल्टीप्लाई जल्दी होता है और इजी भी हो जाता है। यहाँ पे 10 है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 10 है, एक बार 0 है, यहाँ पे एक बार आप 0 लिख लीजिए। अब इस 1 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 5 जा 5 एंड 1 1 जा 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 150। ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 223 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ भी आप 2 0 लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 है, 2 टाइम्स 0 यहाँ भी लिखेंगे। अब 1 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ही एक बार 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ही एक बार आप और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 22,300। ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 346 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स 0 है, 1 2 3 3 टाइम्स 0 यहाँ पे प्रोडक्ट में आप लिख लेंगे। उसके बाद 1 को 6 से मल्टीप्लाई, 1 को ही 4 से मल्टीप्लाई, 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई। पहले 1 को 6 से करेंगे, 1 6 जा 6, 1 को 4 से करेंगे, 1 4 जा 4, 1 को 3 से करेंगे, 1 3 जा 3, तो हमारे रिजल्ट क्या आया, 3,46,000। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन विद 40, 400 और 4000। नाउ कम टू द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन विद 40, 400 और 4000। सेम एज इट इज 10, 100 और 1000 की तरह ही इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले हम 0 को प्रोडक्ट में लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 140 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ प्रोडक्ट में एक बार 0 आ जाएगा। अब 4 को हम पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट उसका 0 आता है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 1 कैरी आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 कैरी 5, 5600। नाउ 124 इज मल्टीप्लाइड विद 400। अगर हम किसी भी नंबर को 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 16 आ गया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, कैरी 1 9, 4 1 जा 4, इसका रिजल्ट आया 49,600। नाउ अगर हम किसी भी नंबर को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126 मल्टीप्लाइड विथ 4000, यहाँ पे 3 बार 0 है तो प्रोडक्ट में भी 3 बार 0 लिखेंगे। अब 4 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,
फोर टू जै एट टू टेन, फोर वन जै फोर वन फाइव, अब हम मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिया गया है, वो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है, एग्जांपल वन जो आप लोगों की बुक में दिया गया है, फोर्थ क्लास की बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 496 पेजेस इन ए नॉवल, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 123 नॉवल्स विद द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ पेजेस कितने, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस, एक नॉवेल में 496 पेजेस होते हैं, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 123 नॉवेल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 123 नॉवेल में कितने पेजेस होंगे, नंबर ऑफ नॉवेल्स। अगर एक नॉवेल में 496 पेजेस हैं तो 123 नॉवेल में कितने पेज होंगे, 123 नॉवेल्स में कितने पेजेस होंगे। जैसे एक पेड़ पे पांच आम है, तो पांच पेड़ पे कितने आम होंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, आप लोग मल्टीप्लाई जानते हैं, ये नॉर्मल मेथड, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। 1 कैरी, 3 9 जा 27, 1 28, 3 4 जा 12, 12 2 14, यहाँ पे 1 कैरी गया था, 2 कैरी गया था, तो 3 4 जा 12 2 14। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 2 4 जाए 81 9। अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4। इसको हम लोग इसका सम करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 8, 8 2 10, 1 कैरी, यहाँ पे 8 2 10, 1 कैरी, 4 1 5, 5 9, 14, 14 6, 20, 2 कैरी, 2 1 4, 4 9 13, 13 9 22, 20, sorry, 2 1 3, 3 9 12, 12 9 21, 2 carry, 4 plus 2, 6, carry को हटा देंगे यहाँ से, तो हमारा जो रिजल्ट आया 61,008। तो देयर आर, हम लोग आंसर में लिखते हैं, देयर आर 61,008 पेजेस इन 123 नॉवेल्स। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 का है, आप लोगों के बुक के फोर्थ क्लास के बुक के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। राकेश सोल्ड 384 मूवी टिकट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कुछ भी आप सोच सकते हैं। ही सोल्ड 284 टिकट्स एट रुपीज 315 एंड द रिमेनिंग एट 405। राकेश ने 384 टिकट बेची, जिसमें से दो क्लास के उसके पास टिकट हैं, फर्स्ट क्लास मान लो, सेकंड क्लास के टिकट्स हैं। 284 टिकट उसने 315 के रेट से बेचे, और जो रिमेनिंग 384 थे जिसमें से 284 टिकट बेच दिए उसने 315 के रुपए के हिसाब से, रिमेनिंग बचे 100 टिकट्स उसने 405 के रेट से बेचे। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स थ्री हंड्रेड एट्टी फोर, एक को हम लोग फर्स्ट क्लास टिकट मान लेते हैं, एक को सेकंड क्लास टिकट, तो प्राइस ऑफ
फर्स्ट क्लास टिकट। ₹350। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ₹285। अमाउंट कलेक्टेड। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा अमाउंट कलेक्टेड होगा। जो हम अमाउंट कलेक्ट करेंगे, प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट ₹315, नंबर ऑफ टिकट्स 284, दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा अमाउंट कलेक्ट होगा। जो हम अमाउंट कलेक्ट करेंगे, 5 4 20 टू कैरी, 4 1 4 2 6 4 3 12 मल्टीप्लाई, 8 5 40 4 कैरी आ जाएगा, 8 1 8 4 12 1 कैरी आ जाएगा, 8 3 24 125। टू फाइव जै टेन 1 कैरी, 2 1 जै 2 1 3 2 3 जै 6 इसको ऐड करेंगे, 0 6 2 2 4 5 1 6 plus 3 9 6 2 8। ये तो इसका प्राइस हो गया फर्स्ट क्लास टिकट का प्राइस। फर्स्ट क्लास टिकट का प्राइस हो गया 89,460। रिमेनिंग टिकट्स कितने टिकट्स बच गए सोल्ड होने के लिए, 384 थे जिसमें से 284 बिक गए, 315 के रेट से रिमेनिंग टिकट्स 100 हैं। अब हम 100 टिकट्स को 405 करें तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेकेंड क्लास टिकट। हमने डिफरेंट क्लासेस में एक को फर्स्ट क्लास कंसीडर किया, एक को सेकेंड क्लास, 405 सॉरी कॉस्ट नहीं आप लिखेंगे, गलती हो गई, प्राइस ऑफ, तो नंबर ऑफ टिकट्स जो हम इस रेट से बेचेंगे 405, 100 टिकट्स बचे हुए, 100 अमाउंट कलेक्टेड, अमाउंट कलेक्टेड हो जाएगा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका प्रोडक्ट बहुत सिंपल होता है, चलिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, वरना मैं नहीं तो मैंने आप लोगों को बताया था 405 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 दो बार 0 आ जाएगा, अब 1 को एक बार 5 से करेंगे, 1 को एक बार 0 से, 1 को एक बार 4 से, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा 0 0 1 5 5 1 0 1 4 40,500, यही हमारा रिजल्ट है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 40,500। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगली लाइन कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितना अमाउंट टोटल कलेक्ट हुआ पहले के। अब टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज इक्वल टू अमाउंट कलेक्ट इन फर्स्ट क्लास टिकट प्लस अमाउंट कलेक्ट इन सेकेंड क्लास टिकट। आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे तो मैंने कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्लास टिकट में अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था, 89,460, और सेकेंड क्लास टिकट में अभी जो अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था 40,500। दोनों को ऐड करेंगे, 0 6 9 9 1,29,960 टोटल अमाउंट इतना कलेक्ट हुआ, यही आपका आंसर है। अब आप लोग देख रहे हैं बुक में ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिर 6th 7th 8th, मैंने 7th क्वेश्चन कराया, आप लोग ये क्वेश्चंस होमवर्क में कर लीजिएगा।
और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन मैंने करा दिया था, एग्जाम्पल टू आप लोग होमवर्क में कर दिया, एग्जाम्पल नंबर टू आप लोग होमवर्क में कर दिया। और ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अगर हम जैसे ये रिवीजन के लिए एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आप लोग ये सॉल्व करिएगा, और जिसको जो क्वेरी हो वो मैसेज के थ्रू भेज सकता है, उसका बाद में सॉल्यूशन किया जाएगा, जिसको मैं वीडियो बना के वापस से आप लोगों को सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी मैं फिफ्थ क्लास की बात करता हूँ, फिफ्थ क्लास में भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं, जैसे 3.2, ये सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी मेथड से होंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिवीजन, नेक्स्ट टॉपिक और इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन, डिवीजन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोग होमवर्क करिएगा, सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चंस ना आए वो क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। ओके, थैंक यू।